Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such vocabulary ke class 31 mein aap sabhi ka swagat hai. Aaj in series mein hum seekhte hain naye words, unka matlab aur unhe kaise sentences mein use kara jaye, ye sabhi cheeze hum in videos ki series mein jante hain. Aaiye aaj bhi main aapke liye lekar aayi hu kuch new words. सीखते हैं, जानते हैं उन्हें कैसे यूज कराना है. नीडलेस, नीडलेस का मतलब होता है जरूरत नहीं है. नीडलेस टू से दैट ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो अपने दिमाग से हट चुका है, यानी कि किसी का दिमाग खराब हो चुका है तो हम कहते हैं कि ही इज आउट ऑफ हिज माइंड. नेक्स्ट वर्ड इसका इज लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से किसी चीज का इंतजार करने को कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू. तो हम कैसे कहेंगे इसी सेंटेंस में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई मीट यू, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं तुमसे मिलूंगा. नेक्स्ट वर्ड इज का है अकस्टम टू, किसी चीज के हैबिचुअल हो जाना, आदि हो जाना. I am accustomed to having tea after breakfast. मैं breakfast के बाद चाय लेने के आदि हो चुका हूँ. Next word is guys ooze. Ooze का मतलब होता है धीरे धीरे बहना. Blood is oozing out of wound. Oozing out of wound. Wound का मतलब चोट लगना, कोई जख्म. तो खून जो है वो धीरे धीरे बह रहा है जख्म से. और लास्ट वर्ड है आज का गाइस रिडिकुलस. रिडिकुलस का मतलब कोई भी काम, कोई भी चीज बेवकूफी भरा हो, इसको हम रिडिकुलस कहते हैं. इट वाज रिडिकुलस डिसीजन टू शाउट बिफोर योर पेरेंट्स, माता पिता के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने चिल्लाना एक बहुत